दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभदीप। मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है जहाँ पे एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कई छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस। आज का हम लोगों का मेन फोकस है प्रोसेस कॉस्टिंग में किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो दिखाना। तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रीड करूंगा, मैं क्वेश्चन को अपलोड भी कर लूँगा अपने चैनल में और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रोसेस टू आर गिवन। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है और यूनिट्स दिया हुआ है और साथ में अमाउंट दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स में ट्रांसफर टू प्रोसेस टू एट कॉस्ट, यूनिट्स है 4000, अमाउंट है 9000, डायरेक्ट वेजेस है टोटल 2000 रुपीज़, डायरेक्ट मटेरियल है टोटल 3000 रुपीज़। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ट्रांसफर टू प्रोसेस टू फिनिश स्टॉक 3240। फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्रोसेस आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 400% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स। अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस इज 20% ऑफ यूनिट्स वर्क्ड। स्क्रैप यूनिट स्क्रैप वैल्यू इज 5 रुपीज पर यूनिट। इवैल्यूएट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक यूजिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाइड अबव। शो द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस इन द प्रोसेस टू बी टेकन टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझा देना चाहता हूँ। देखिए कोई एक प्रोसेस वन हुआ होगा, क्वेश्चन में हम लोगों को प्रोसेस टू का अकाउंट खाली बनाना है। प्रोसेस वन से कुछ सामान निकल करके प्रोसेस टू में आया है, हम लोगों को उसको इनपुट मानना है। इनपुट मान करके हम लोग पूरा का पूरा जो प्रोसेस अकाउंट है उसको हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे, ये उसका फॉर्मेट होगा। डेबिट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे तीन कॉलम बनाने से आप लोगों को सुविधा होगा, यूनिट्स रेट अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स यूनिट्स रेट अमाउंट। देखिए कोई भी यहाँ पे जो है आप लोग पूरी इंस्टेड ऑफ यूनिट्स यू कैन यूज़ द वर्ड क्वांटिटी, ठीक है, क्यू आर ए भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि आप यूनिट्स यू और रेट के लिए आर और एक अमाउंट के लिए ए एब्रिविएशन आप यूज़ करो। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए जो रेट कॉलम है बहुत सारे बुक्स में ये रेट कॉलम नहीं देता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेट कॉलम दो, इसलिए ताकि आप लोग क्लियरली सारा कैलकुलेशंस करके दिखा सको कि देखो ये रेट हम लोग का आ रहा है। आइए लिखते हैं। तो प्रोसेस वन का जो इनपुट है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, ठीक है। तो 4000 यूनिट्स वर ट्रांसफर एट अ टोटल प्राइस ऑफ 9000 रुपीज। तो आप लोग क्या करो, 9000 को रेट को पता करने के लिए 9000 जो कि अमाउंट है उसको यूनिट से डिवाइड करो। तो 9000 डिवाइडेड बाय 4000 आंसर इज 2.25। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। इसके बाद अब क्या करना है, हम लोग को एक बार ट्रांसफर का अमाउंट शो कर देंगे फिर, और रेट कॉलम में कुछ लिखने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही यूनिट्स कॉलम में लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में हम लोग अमाउंट्स को डालते जाएंगे। डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में 2000 रुपीस दिया हुआ था, उसको डेबिट साइड में दिखाइए बिकॉज दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस। तो बेसिकली वी आर शोइंग द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम नेचर आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड और द यू कैन से द रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द क्रेडिट साइड। तो डायरेक्ट वेजेस को आप यहाँ पे दिखाओ, डायरेक्ट मटीरियल्स को आप अमाउंट कॉलम में शो करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्या होता है दोस्तों, ओवरहेड्स आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो प्रोसेस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, उनको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था इट वॉज 400% ऑफ डायरेक्ट मटीरियल्स। तो डायरेक्ट मटीरियल्स हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखिए डायरेक्ट मटीरियल का अमाउंट इट वॉज 3000 इंटू 400%,
400% का मतलब 400 डिवाइडेड बाई 100 होगा, आपको बस मल्टीप्लाई करना है इसको 3000 से, तो 400 बाई 100 ये 4 से कटेगा, 4 × 3000 12000 रुपीज़ आता है। आप डायरेक्टली इस 12000 रुपीज़ को अमाउंट वाले कॉलम में इसको शो कर दो। अब आपको क्या करना है, अच्छा क्रेडिट साइड में आप देखो क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया हुआ है। व्हाट इज नॉर्मल लॉस दोस्तों? नॉर्मल लॉस कुछ ऐसा लॉसेस होता है जो कि इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और नेचर ऑफ द बिजनेस में इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट मतलब वो पहले से ही, मतलब उस प्रोडक्ट का नेचर में ही शामिल है। जैसे आप एक लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज स्पिरिट। तो स्पिरिट आप खुला छोड़ दोगे तो वो गायब हो जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल लॉस है, आप चाहे कितना भी कोशिश करो इस तरह के लॉसेस को आप रोक नहीं पाओगे। तो दीज लॉसेस आर बेसिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स को बेच के हम लोग कुछ पैसा रिकवर कर लेते हैं। जो पैसा हम लोग रिकवर कर सकेंगे बाय सेलिंग द नॉर्मल लॉस यूनिट्स विच आर नॉट अप टू द मार्क, विच आर नॉट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वुडन फर्नीचर का प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ डस्ट निकला, वुडन डस्ट, तो उसको सपोज आपने सेल किया और कुछ पैसा आपने रिकवर किया, तो ये पैसा को हम लोग बोलते हैं स्क्रैप रियलाइजेशन। जो भी नॉर्मल लॉस यूनिट्स को अगर आप सेल कर पाओगे बेच करके, जो पैसा रिकवर होगा इट इज कॉल्ड स्क्रैप रियलाइजेशन। हम लोग नॉर्मल लॉस यूनिट्स और स्क्रैप रियलाइजेशन को प्रोसेस अकाउंट का क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बिकॉज दीज आइटम्स विल रिकवर आवर कॉस्ट, ये हमारा खर्चा को कम करेगा। तो देखो, तो क्रेडिट साइड में हम लोग डालेंगे बाय नॉर्मल लॉस 800 यूनिट्स, मेरा नॉर्मल लॉस आया। किस तरीके से आया आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि 4000 यूनिट्स वॉज द टोटल प्रोसेस इनपुट। जितना भी टोटल प्रोसेस इनपुट है उस टोटल प्रोसेस इनपुट का 20% आप लोग ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% नॉर्मल लॉस यूनिट्स है। तो 4000 के साथ इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 हम लोग करेंगे तो अमाउंट आएगा, जो वैल्यू आएगा वो है 800। ये 800 यूनिट्स हम लोगों का नॉर्मल लॉस हुआ है, इसको यूनिट्स कॉलम में आप शो कर दो। क्वेश्चन में बोला है कि 5 रुपीज़ पर यूनिट के रेट से हम लोग इसको बेच पाए हैं, तो देयरफॉर 800 × 5 टोटल कितना हो जाएगा, ये 4000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो यूनिट्स फिनिश स्टॉक अकाउंट में चला गया, ऑब्वियस ही बात है कि 2, 3, 4 प्रोसेस के बाद सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है वो फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे दो ही प्रोसेसेस ज़रूर हुआ होगा, प्रोसेस वन जहाँ से प्रोसेस टू में आया होगा, फिर प्रोसेस टू से निकल करके सामान फिनिश स्टॉक अकाउंट में चला गया होगा। तो वाई ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, मतलब बेसिकली मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहता हूँ। मान लीजिए प्रोसेस वन को हम लोग P1 से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ से निकल करके ये सामान P2 में गया होगा, प्रोसेस टू में गया होगा, और वहां से डायरेक्टली इट हैज बीन ट्रांसफर टू द फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एट द रेट 6.875 पर यूनिट, ये कहाँ से आया, इसके लिए हम लोगों को छोटा सा एक कैलकुलेशन करना होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज आवर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट देख सकते हो, ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा। कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइजेशन डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसेस इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अधिकतर क्वेश्चन में आप देखिएगा इस फॉर्मूला का यूज आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में देखने को मिलेगा। तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट आपका 26000 था। 26000 कैसे आया, देखिए 9000 आपका डेबिट साइड में हम लोग शो किए थे, मैं आपको फिर से ऊपर करके दिखाता हूँ। 9000 टोटल प्रोसेस वन से जो ट्रांसफ़र हुआ था उसका टोटल वैल्यू था उस मटेरियल का 9000, साथ में डायरेक्ट वेजेस ऐड हुआ 2000, साथ में डायरेक्ट मटेरियल ऐड हुआ 3000, साथ में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हुआ 12000। तो आप इन सब को ऐड करो, 9 + 2 = 11, 11 + 3 = 14, 14 + 12 = 26000 रुपीज़ टोटल प्रोसेस कॉस्ट आ रहा है आपका।
जो डेबिट साइड में आपका टोटल आएगा अमाउंट कॉलम का टोटल होगा दैट इज द टोटल प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, तो डेबिट साइड में टोटल प्रोसेस कॉस्ट आप दिखाओ 26,000, उसमें से स्क्रैप रियलाइजेशन देखो मैंने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 4,000, उसको यहाँ पे माइनस करो 26,000 में से। माइनस करने के बाद होल डिवाइड दो पूरी तरीके से, डिवाइडेड बाय कितना टोटल प्रोसेस इनपुट हम लोग डाले थे 4,000 यूनिट्स हम लोगों ने डाला था, तो 4,000 से यहाँ पे डिवाइड होगा माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे जो है नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने थे 800 यूनिट्स, तो 800 यूनिट्स यहाँ पे हम लोगों को शो करना होगा। तो अब कितना आएगा 26,000 माइनस 4,000 दैट इज 22,000, इधर 4,000 माइनस 800, अब 22,000 डिवाइडेड बाई 3,200 टोटल आ जाएगा 6.875 पर यूनिट, ये हम लोगों का शो होगा। अब हम लोग क्या करेंगे 6.875 जो हम लोगों का आया है उसको अगर हम लोगों को फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने बोलेगा तब तो बनाना होगा, यहाँ पे फिनिश स्टॉक अकाउंट हम लोगों को बनाने नहीं बोला है तो सिंपली लिख देना है बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6.875 पर यूनिट। यहाँ पे शो करेंगे हम लोग 3,240 यूनिट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उतना यूनिट्स फिनिश स्टॉक में गया, उसके बगल यहाँ इस 3,240 को हम लोग यूनिट्स के कॉलम में लिखेंगे, उसके बगल में देखिए हम लोग रेट को लिखेंगे, ये जो हम लोग का रेट आया 6.875 उसको यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद दोनों को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3,240 इंटू 6.875 हम लोग का टोटल आएगा 22,275। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे 22,275 प्लस 4,000 टोटल हो जाएगा 26,275। अब हम लोग डेबिट साइड में आएंगे, शो करेंगे अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन क्या होता है दोस्तों, जब आपका एक्सपेक्टेड लॉस कम हो, मतलब जितना आपने सोचा था वो एक्सपेक्टेड लॉस ज़्यादा था और एक्चुअल लॉस उससे कम हुआ, तो इन दैट केस द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड लॉस दैट इज नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इज द एबनॉर्मल गेन। आप सपोज 500 यूनिट्स का लॉस मान करके चल रहे थे जबकि 400 यूनिट्स का ही एक्चुअल नॉर्मल लॉस हुआ, तो 100 यूनिट्स का जो डिफरेंस आया वो आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज द एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एबनॉर्मल गेन हुआ है 40 यूनिट्स का, क्यों, क्योंकि 4,000 यूनिट्स हम लोग प्रोसेस में डाले थे जबकि प्रोसेस से बाहर निकल रहा है टोटल 4,040 यूनिट्स, प्रोसेस में हम लोग डाले थे 4,000 यूनिट्स जबकि प्रोसेस से बाहर कितना निकला ट्रेड साइड में देखो 800 यूनिट्स नॉर्मल लॉस और ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक 3,240 क्वेश्चन में दिया हुआ था, टोटल मिला करके कितना हो रहा है 4,040 यूनिट्स बाहर निकल रहा है। इसका मतलब 4,040 में से 4,000 माइनस अगर हम लोग करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 40 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, ये 40 यूनिट्स का डिफरेंस रिप्रेजेंट्स द एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट की करना पड़ेगा लेकिन बहुत आसान है, ये जो कॉस्ट पर यूनिट हम लोग निकाले हैं उसका रेट हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे एट द रेट ऑफ 6.875 पर यूनिट। तो 40 के बगल में उसका रेट को शो कर दीजिए 6.875 मल्टीप्लाई करिए 275 आएगा, इन दोनों को प्लस करिए 26,000 प्लस 275 26,275 आ जाएगा जो कि क्रेडिट साइड का अमाउंट का टोटल है। तो हम लोगों को अलग से रेट कॉलम को बैलेंस करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ये आप लोग देख रहे हैं, और नहीं हम लोग करेंगे, रेट कॉलम को हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ यूनिट्स कॉलम और अमाउंट कॉलम को प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।